व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? फिर से कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल सीए गेमिंग पे। म्यूजिक यार, कहां से क्रीपर आ गया? शिट भाई यार, इंट्रो के टाइम कहां से क्रीपर आ चुका है यार। और गाइस देखो यार, यहां पे इंट्रो भी करने नहीं दिया, तो चलो गाइस फिर से एक बार इंट्रो कर लेते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब लोग? फिर से सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए गेमिंग पे। और गाइस, जिन लोगों ने सोच रहा है ना ये मैं जानबूझे क्या, भाई बिल्कुल नहीं, मेरा मोबाइल नीचे रखा हुआ था, मेरा फुल फोकस था माइक के ऊपर और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था ये क्रीपर कहाँ से आ गया यार, क्रीपर कहाँ से आ गया, शिट। तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो गाइस इस वीडियो पे आज मैं आपको कुछ ऐसा माइनक्राफ्ट का सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करने के बाद, मतलब यूज करने से आपका पीसी जस्ट लाइक पीसी, आपका पीसी नहीं यार, आपका मोबाइल जस्ट लाइक पीसी जैसा हो जाएगा, मतलब आपका माइनक्राफ्ट का इन्वेंट्री जस्ट लाइक पीसी जैसा हो जाएगा, या थीम बोल सकते हो माइनक्राफ्ट का थीम थोड़ा बहुत पीसी जैसा लगने लग जाएगा। तो वैसा ही कुछ आज हम आपको मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा, उसको यूज़ करेंगे तो भाई देखो मेरा जैसा हो जाएगा, मेरा आप देख सकते हो, मेरा पहली बात यहाँ पे देखो, मेरा जो हंगर बार है और हेल्थ बार है वो नीचे है, आप सबको ऊपर होता है। दूसरी बात, जो गोल गोल चीज़ है वो नहीं है, मेरे पे एक क्रॉस यार है। और गाइस आप देख सकते हो जो क्रॉस यार है काफ़ी अच्छा, जब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा देख सकते हो जब मैं किसी ब्लॉक के ऊपर जाता है काला काला सा एक मार्क आ जाता है, तो गाइस इसे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इनेबल करना है। और एक चीज़ गाइस आपको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये है कि देख सकते हो अभी मेरा इन्वेंट्री भी कति चेंज हो गया है। तो गाइस चलो गाइस देखते हो, देखो मेरा इन्वेंट्री क्या हो चुका है। तो देखो यहाँ पे मेरा इन्वेंट्री आप गाइस देख सकते हो एकदम छोटा सा हो चुका है, ऊपर पे एक कुछ बुक और चेस्ट आ चुका है एकदम देख सकते हो, और इधर पे देखो कितना जैसे लाइक थोड़ा जैसा पीसी जैसा हो चुका है यार। और यार यही तो चाहिए ना। और गाइस मैं एक और चीज़ देखो, जब मैं भागता हूँ, ठीक है एक मिनट दिखाता हूँ। तो गाइस जब मैं भागता हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ, क्राउच करता हूँ भागता हूँ, ऊपर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक मेरा जो बंदा है आपको दिखता है। तो गाइस इसे भी मैं बताऊंगा कि इसको भी कैसे ऑन कर लेते हैं। और एक चीज़ गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा उसके नीचे पोजीशन लिखा आता है, मतलब वो होता है कोऑर्डिनेट। तो गाइस इसको भी बताऊंगा कैसे ऑन कर लेना आता है। तो गाइस अगर मेरे इस सेटिंग को आप लोग फॉलो करते हो तो आपका भी मेरा जैसा सेटिंग हो जाएगा। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ नॉर्मल पे, मतलब जब हम लोग पहले माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल करते हैं जब पहले जैसा हो जाता है तो ऐसे पोजीशन में मैं आ चुका हूँ। तो गाइस मैं आपको ए टू जेड बता दूंगा कैसे आपको करना है। तो गाइस देख सकते हो मेरा इन्वेंट्री भी चेंज हो चुका है। तो गाइस चलो पहला चीज़ तो ये गोल गोल चीज़ गाइस देख सकते हो क्या है ये गोल गोल चीज़। तो गाइस ये गोल गोल चीज़ काफ़ी परेशान करता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी आप ब्लॉक तोड़ते हो तो ये गोल गोल चीज़ उसके ऊपर क्लिक होल्ड करके रखना पड़ता है, उसके बाद फिर ये टूटता है। तो गाइस हम लोग, चलो गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना, सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा गेम लोड हो रहा है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको टच पे चले जाना है, और टच पे चले जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड पे स्प्लिट कंट्रोल नाम करके एक बटन है, आपको उसको कर देना है ऑन कर लेना है। और गाइस बूम गाइस को ऑन करने के बाद आपका जो है वो गोल गोल चीज़ गायब हो जाएगा, और गायब हो जाने के बाद आप देख सकते हो कैसे आप लोग क्रॉस ईयर से खेल सकते हो, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे ट्रिक है। तो गाइस आप देख सकते हो सेकंड जो ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो ये हेल्थ बार और ये जो है हंगर बार, तो गाइस चलो इसको कैसे नीचे लाया जाए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हो मेरा इन्वेंट्री भी कैसा है। तो गाइस इसके लिए सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको वीडियो पे जाना है, वीडियो पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ पे आपको लिखा आएगा यूआई प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके या यूआई प्रोफाइल को आपको क्लिक करना है,
यहाँ पे जो पॉकेट लिखा है इसको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एक और क्लासिक करके, तो आपको कर देना है क्लासिक। जब आप क्लासिक कर दोगे तो आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ बैक करके। तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा हंगर बार जो है, हेल्थ बार और हंगर बार दोनों ही कैसे चेंज हो चुका है, और गाइस देख सकते हो मेरा इन्वेंट्री भी चेंज हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो, अब मैं चेस्ट खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये गाइस देखो, चेस्ट जब मैं खोलता हूँ तब थोड़ा ऐसा दिखाता है, तो गाइस ऑलमोस्ट पीसी जैसा हो चुका है, आप गाइस देख सकते हो, मतलब इतना छोटा सा लग रहा है एकदम पीसी जैसा। और गाइस यहाँ पे देखो एकदम यार इन्वेंट्री मेरे को सबसे प्यारा लगता है। और गाइस अब मैं दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो एक सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ आ रहा है जब मैं कुछ ब्लॉक के ऊपर जब मेरा एम लेके जाता हूँ। तो यार पीसी में ऐसा नहीं होता है, पीसी में एक ब्लैक मार्क आउटलाइन आता है। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको ऑन कर लेना, तो उसके लिए भी आपको सेटिंग पे जाना होगा। तो चलो सेटिंग में जाते हैं, उसके सेटिंग पे जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे वीडियो पे, और वीडियो पे चले जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, पे लिखा आएगा आउटलाइन सिलेक्शन बटन। आप देख सकते हो ऊपर ही आपको लिखा आ जाएगा आउटलाइन सिलेक्शन, तो इसको कर लेना आपको ऑन। और ऑन करने के बाद देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा जो ये देखो कैसे हो रहा है, ऐसे जो ब्लैक लाइन ब्लॉक पे ऊपर शो हो रहा है। तो ये गाइस ये पीसी में भी होता है, हमारे भी अब होने लग गया है। तो गाइस अब दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो दूसरी चीज़ है गाइस देखो, ये चीज़ काफ़ी एकदम यार क्या बताता हूँ सबको यार पता है शायद। दूसरी चीज़ है ये जो पेपर डल, मतलब जो मेरा बंदा साइड पे दौड़ता है उसको कैसा होने। तो गाइस सेटिंग में जाने के बाद वीडियो पे जाना है, और आपको हाइट पेपर डल इसको आपको कर देना है बंद। तो इसको जब बंद करोगे आपका देख सकते हो हमारा बंदा आ जाएगा राइट लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, हमारा बंदा यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस इसको भी ऐसे इनेबल कर लेते हैं, आप देख सकते हो एकदम ईजी है इनेबल करना। और गाइस देखो कितना आसान है यार इसको इनेबल करना गाइस देखो। और देखो मैं जब भी कुछ करता हूँ ये मेरे को दिखाता है, मैं दौड़ रहा हूँ इधर पे उधर पे भी दौड़ रहा है मेरा बंदा। तो गाइस देखो कितना ही आसान है ये चीज़। चलो गाइस आप सेकंड में सेटिंग में बता देता हूँ कैसे कोऑर्डिनेट आपको ऑन करना होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं सेटिंग कोऑर्डिनेट देखो जो लोग गेम लीडर होस्ट का लीडर होते हैं वही ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेम्स पे, तो मैं हूँ गेम्स के। जाने के बाद आपको साइड पे राइट साइड पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एकदम थोड़ा सा, और इधर पे वर्ल्ड ऑप्शन के उधर पे आपको मिल जाएगा सो कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंडली फायर के नीचे आता है सो कोऑर्डिनेट, उसको कर लेना है आपको ऑन। और गाइस यहाँ पे देखो फाइनली पोजीशन हमारा आ चुका है, पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा लिया है। तो गाइस देखो मतलब कितने भाई, मतलब अभी देखो अभी खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो गाइस देखो अब मेरा जो क्रॉस यार भी आ चुका है, हंगर बार भी नीचे ना आ चुका है, जब मैं दौड़ता हूँ तो ऊपर से वो मेरा बंदा भी आ जाता है। तो अभी जो मेन चीज़ है मैं अभी उसको मैं आपको बताता हूँ। तो मेन चीज़ आप देख सकते हो मेरे हाथ में स्वॉर्ड है, बूम गाइस जब मैं स्वॉर्ड चला तो एक वेब मल्टी शूटर वेब जैसे जाता है वाइट कलर का। तो गाइस ये कैसे आपको इनेबल करना है, तो देखो गाइस इस वीडियो पे तो पॉसिबल नहीं होगा इसको बताना, इसलिए गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और गाइस इसका एक फ़ायदा है, आप इसको ना जब आप जॉम्बी को मारोगे एक साथ दो जॉम्बी को डैमेज होगा। आप देखो गाइस ये देखो दोनों जॉम्बी को कैसे एक साथ डैमेज होता है। तो बेसिकली जो स्वॉर्ड इफेक्ट है ये बेसिकली जावा एडिशन में आता है, और गाइस देखो हम लोग पॉकेट एडिशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे देखो यार ये चीज़ देखो आइटम ड्रॉप, तो या गाइस हम लोग मोबाइल पे भी पीसी जैसा आइटम को ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और गाइस देखो ये वीडियो तो मैं आपको तो बता नहीं सकता, मतलब इस वीडियो में कैसे करना, नहीं तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस देखो मैं खुद के मोबाइल से कर रहा हूँ ये आइटम ड्रॉप, कोई भी मैं कीबोर्ड वीबोर्ड नहीं लगाया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे आइटम ड्रॉप करते हैं, और आपका स्वॉर्ड इफेक्ट भी कैसे वर्क करता है। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। और गाइस जाने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप तक आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, इसका 15 लाइक आता है तो इसका जो मैं बताया था वो वाले सब जो इफेक्ट वगैरह मैं आपको दूंगा। और गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को
ऑल पे रख। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस देखो, ये मैं बहुत ही पुराना वीडियो है, शायद अभी हमारा 920 सब्सक्राइबर है, और पता नहीं यार मैं ये 1K पे शायद आप लोग देख रहे हो तो।